राजद के लोग चरवाहा विद्यालय के माध्यम से पूरा शैक्षणिक वातावरण को खत्म किया और माननीय नीतीश कुमार जी शिक्षकों पर लाठी बरसाकर जातीय जहर के लहर के कहर से वातावरण को बनाने के लिए शिक्षक को लगा दिए जातीय जनगणना में। बच्चे के भविष्य बर्बाद करने के लिए विद्यालय के बच्चों से ही पढ़ाएंगे, जो विद्यालय के बच्चे अपनी भविष्य को बनाने गए थे। मुख्यमंत्री जी क्यों बिहार के बर्बादी का नायक बन रहे हैं? चोर दरवाजा से ला करके जिस जंगल राज के पुरोधा को आपने जनता राज कहा, वो लोग गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। पुलिस को दारू में लगा दिए, शिक्षक को जातीय जनगणना में लगा दिए। सुरक्षा साफ, शिक्षा साफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, विद्यालय में पढ़ाने का भी एक नियम होता है और वैसे टीचर को पढ़ाने का नियम होता है कि जो जिनके पास एक स्पेशल डिग्री हो, यानी कि यूं कह लें कि अगर विद्यालय में आपको पढ़ाना है तो बीएड या डीएलडी आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, दरअसल यह मामला जो है ये जातीय जनगणना से संबंधित है। जातीय जनगणना से संबंधित इसलिए है क्योंकि जातीय जनगणना अभी चल रहा है और आप सभी को पता ही है कि इसमें जातीय जनगणना के काम करने में सभी शिक्षकों को लगाया गया है। अब जब शिक्षक जातीय जनगणना करने जाएंगे तो उस समय आप सोच सकते हैं कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनका पढ़ाई बाधित होगा। तो ऐसे में सरकार ने एक नियम निकाला है कि जो भी सीनियर जो बच्चे हैं वो जूनियर बच्चों को पढ़ाएंगे। अब बताइए, सीनियर बच्चों को क्या बीएड या डीएलडी की कोई डिग्री है या कोई उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, तो क्या होगा इन बच्चों का भविष्य? चलिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विजय सिन्हा जुड़े हुए थे और उन्होंने सरकार को घेरते हुए वो कह रहे हैं कि सरकार शिक्षक को या शिक्षा व्यवस्था को बिहार में किस तरफ लेकर जा रही है और क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है, बिहार के बर्बादी की कहानी में एक बड़ा भाग हमारा शैक्षणिक वातावरण को ध्वस्त करने का होगा। और ये योजनाबद्ध ढंग से राजद जदयू के लोग कर रहे हैं। राजद के लोग चरवाहा विद्यालय के माध्यम से पूरा शैक्षणिक वातावरण को खत्म किया और माननीय नीतीश कुमार जी शिक्षकों पर लाठी बरसाकर, शिक्षकों को सम्मान नहीं देकर, अस्थाई बहाली नहीं करके ये वातावरण को पूरा नष्ट और भ्रष्ट किए। अब तो हद कर दिए कि अपने अहंकार, अपने सत्ता, जातीय जहर के लहर के कहर से वातावरण को बनाने के लिए शिक्षक को लगा दिए जातीय जनगणना में। और बच्चे के भविष्य बर्बाद करने के लिए विद्यालय के बच्चों से ही पढ़ाएंगे, जो विद्यालय के बच्चे अपनी भविष्य को बनाने गए थे उसके भविष्य को तो मिटाएंगे ही, और उसके साथ रहने वाले को दोनों को एक तरह से शैक्षणिक वातावरण को नष्ट करने में लगा दिए हैं। यह बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी क्यों बिहार के बर्बादी का नायक बन रहे हैं? चोर दरवाजा से ला करके जिस जंगल राज के पुरोधा को आपने जनता राज कहा, वो लोग गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। पुलिस को दारू में लगा दिए, शिक्षक को जातीय जनगणना में लगा दिए। सुरक्षा साफ, शिक्षा साफ। अब बिहार के खजाना पर तो बैठा ही दिए हैं, पांच पांच विभाग के मालिक बना ही दिए हैं। कहां तक बिहार की बर्बादी को ले जाइएगा? बिहार की जनता विद्रोह कर देगी और खदेड़ कर सत्ता से उतार देगी आप लोग को। तो आपने सुना, विजय सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं, जो कि यही कहते नजर आ रहे हैं कि पहले तो बिहार सरकार शिक्षकों को भर्ती नहीं कर रही थी, बहाली नहीं कर रही थी, और अब देखिए क्या हाल कर रही है शिक्षकों के साथ। जो शिक्षक हैं उनको जातीय जनगणना में लगा रही है और इन बच्चों का क्या भविष्य होगा? जो सीनियर बच्चे हैं वो जूनियर बच्चों को पढ़ाएंगे, तो सीनियर बच्चे वो कब पढ़ेंगे? बड़ी सवाल उन्होंने की है। चलिए, आप कमेंट ज़रूर कीजिए इस मुद्दे पर, इस बातों पर कि क्या आखिर सही है और क्या गलत है। तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।